स्वागत है आप सभी का फौजन की रसम में। फौजन की रसम में मैं आज आप सभी के साथ में ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके घर में रखे सामान से ही ये रेसिपी आसानी से बन जाएगी और बिल्कुल यूनिक लगेगी। आप इसे चाय के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं एक कटोरी बेसन लेती हूँ। ये बेसन जो है घर के चने के दाल का पीसा हुआ ही है तो ये खाने के लिए बिल्कुल हेल्थी है। और अब मैंने ये थोड़ी सी बारीक कटी हुई पत्ता गोभी ली है और थोड़ा बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। इन दोनों को डाल देती हूँ। तो ये रेसिपी हमारी बिल्कुल हेल्थी होने वाली क्योंकि इसमें खूब सारी सब्जी है और बेसन है तो वो भी घर के पीसे हुए चने का दाल का ही है। और अब मैं इसमें डालूंगी 2 कटी हुई हरी मिर्च और 1 कटा हुआ टमाटर और थोड़ा सा जीरा। और अब जो हम पानी डालेंगे जरूरत के हिसाब से, ना तो ज्यादा हमें इससे गीला करना है और ना ही ज्यादा पतला रखना है। तो मुझे अब ये थोड़ा सा गाढ़ा ही लग रहा है तो पानी और डालती हूँ। यानी बिल्कुल लिक्विड ही नहीं कर देना है, बिल्कुल पानी जैसा नहीं कर देना है और ना ही बिल्कुल टाइट करना है। मैं आपको बताती हूँ अभी कि हमें इसे किस तरीके से रखना है। बस इसी तरीके का हमें बैटर चाहिए। तो चलिए अब हमने एक प्याला लिया अलग से, इसके अंदर हम जो है इस तरीके से लंबी कटी हुई ही सारी सब्जी ऐड करेंगे। पहले ले लिया मैंने प्याज, फिर ले ली मैंने पत्ता गोभी और ये मैंने टमाटर लिए, इनको भी मैंने इसी तरीके से लंबे काटे हैं। और ये ले लिए मैंने हरी मिर्च और इन सभी को हम जो है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर हम डालते थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा मैंने ये ग्रेट किया हुआ नारियल लिया है। आप चाहे तो इसमें चीज या फिर पनीर ये भी आप जो है इसे डाल सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम एक पैन में या फिर आपके पास में डोसा तवा हो तो आप उसमें भी इस तरीके से पहले घी को फैला दें। फिर उसके बाद में जो हमने ये बैटर बनाया है इसे हम फैलाएंगे। और फिर इसके साइड में इस तरीके से हम जो है, आप चाहे तो घी ले सकते हैं, चाहे तो बटर ले सकते हैं और चाहे तो आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। अब हमें नीचे से पकता हुआ दिख रहा है तो हम जो है इसे पलट लेते हैं। बिल्कुल धीमे आंच पर ही हमने पकाया ताकि अच्छे से पक जाए और बेसन कच्चा ना लगे। ये देखिए आसानी से निकल गया है, बिल्कुल डोसे की तरह लगेगा आपको। और आप डोसा खाना वाकई में भूलने वाले हैं, एक बार ट्राई जरूर करना ये रेसिपी। पसंद ना आए तो यहाँ आकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं आया। गारंटी लेती हूँ कि ये आप सभी को और बच्चों को सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। अब हम इसके सेंटर में जो हमने ये स्टफिंग बनाई है इसे हम इस तरीके से भरते हैं। और मैं इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ रही हूँ। आप चाहे तो इसी समय जो थोड़ा सा पनीर या फिर चीज जो है उसे ग्रेट करके डाल सकते हैं। और फिर हम जो है इसे इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, एक तो ये तरीका हो जाएगा बनाने का और एक तरीका मैं आपको और आगे बताती हूँ। अब हम इसे ले लेते हैं सबसे पहले, फिर हम जो है इसे इस तरीके से कट करेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी में। फिर हम इसके ऊपर डाल देते थोड़ी सी सेवइयां। डालना चाहते हैं तो डालें वरना कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए अब हम इसे फटाफट से ट्राई कर लेते हैं कि कैसा बना है। मुझे तो ऐसे पता है कि बहुत ही अच्छा बनाया क्योंकि मैंने बनाते बनाते खाया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर भी मैं बता देती हूँ कि इसमें से मुझे क्या टेस्ट आ रहा है और क्या नहीं। अभी हो चुका है थोड़ा ठंडा और जब मैं बनाती बनाती इसे खा रही थी ना तो सच में मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा था। और इसमें से जो है जो मैंने नारियल ग्रेट करके डाला है उसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही निकल के आ रहा है, जैसे डोसे के साथ में नारियल की चटनी लगा के खा रहे हैं। बिल्कुल डोसा लग रहा था, प्रिपेयर डोसा। तो प्लीज मेरे कहने पर आप ये डिश एक बार जरूर ट्राई करें, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है वाकई में। और अगर पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे बता सकते हैं जैसा कि मैंने पहले बोला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।